प्रशासन मजबूर, किसानों ने किया दिल्ली कूच। प्रशासन ने रोका तो लगभग 2.5 घंटे जाम लगाकर सड़क पर ही बैठ गए किसान। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अफसर जूझते नजर आए। किसान धनौरा पुलिस प्रशासन का चक्रव्यूह तोड़ दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पहले रसूलपुर फिर धनौरा में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में पुलिस अफसरों के पसीने छूट गए, लेकिन किसानों को रोक नहीं पाए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए दिल्ली कूच कर रहे किसानों को धनौरा में जामा मस्जिद के पीछे गजरौला चांदपुर बाईपास मार्ग पर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए हाईवे पर ही बैठ गए। इससे जाम लग गया। किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। किसानों ने कोरोना एक बहाना, किसानों को दिल्ली जाना है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा इत्यादि नारे भी लगाए। किसान अध्यादेश का विरोध करने दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चांदपुर गजरौला बाईपास मार्ग पर रोकने का प्रयास किया, जिससे किसानों ने मार्ग जाम कर दिया। गुरुवार की शाम दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने किसानों से पहुंचने की मार्मिक अपील की, जिसके बाद प्रदेश के तमाम जिलों से किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया है। इससे पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसान अध्यादेश का विरोध करने दिल्ली जा रहे थे। बाईपास मार्ग पर जामा मस्जिद के पीछे प्रशासन ने दिल्ली की ओर रवाना हो रहे किसानों को रोक दिया। प्रशासन के रवैये से नाराज भाकियू कार्यकर्ता सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। SDM मांगेराम चौहान व CO सत्येंद्र कुमार ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, मगर किसानों ने दोनों अधिकारियों की बात नहीं मानी। लगभग 2.5 घंटे के जाम के दौरान दोनों अधिकारियों ने किसानों से जाम खोलने की अपील की, लेकिन किसान जिद पर अड़े हुए थे। किसानों का कहना था कि दिल्ली जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। 2.5 घंटे प्रशासन जब कोशिश करते हार गया तो प्रशासन ने रास्ता खोल दिया। किसानों के ट्रैक्टर ट्राली गजरौला की ओर रवाना हो गए। इस मौके पर विजेंद्र शर्मा, सौबिर सिंह, गुरमीत सिंह, मुंशी सद्दीक, शिव कुमार, जयप्रकाश सिंह, महेंद्र सिंह, अनिल कुमार आदि मौजूद थे। शब्दों में आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। बताओ, अगर हमें बापा टिकैत तक आज नहीं पहुंचा गया तो सबके सामने कह रहे किसान भाइयों के आग लगा लूंगा 2 घंटे के अंदर। आज मैं करूंगा, बोले हम तेल लेते हैं डीजल है कंट्री में। वो मार रो रहे हैं और हम यहाँ मरेंगे। एक बात और आपने कही थी आंदोलन के बाद इतने मुकदमे जो करना कर लियो, पर आंदोलन जब तक चल रहे हैं जब तक ऐसी चलाएंगे, बिल्कुल ऐसी जगह चला रखा है। आंदोलन के बाद हमें जेल में भेज दिया, जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है, लेकिन अब बाबा मेरा बिना बिना रुक लो आज तो रुकेंगे नहीं किसी के मतलब। गलत कोई उपद्रव नहीं करना, कोई हमारे माहौल को दिक्कत है।
हमारे इन्हीं साथियों को, हमारे उन्हीं भाइयों को दिक्कत नहीं होती है, तहसील की वजह से हमारा रास्ता बंद है। और तहसील आप ही भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बैठ रही है हमारे साथ। दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए लगा के रोका? पुलिस रोक रही है, हमें जाना है दिल्ली। हम दिल्ली के लिए वो है, हमारे नेता का आदेश है, आह्वान करा उन्होंने रात, उनके आंसुओं को देख के रुकाने के, रात रात भर परेशान रहे सारे लोग। अब आगे क्या रणनीति होगी? आगे आर पार की लड़ाई है, हम दिल्ली जाएंगे, जो होगा वहाँ से जब लौटेंगे, जो होगा तीनों कानून कानून वापस नहीं होने। जब दिल्ली जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, कहीं कतई नहीं रुकेंगे। सुबह यहाँ हम जो है दियो लगा लो, 3:30 बजे आए वहाँ से, और सिर्फ जनता को लेना है, लेके जाएंगे। सरकार तो कानून, सरकार कानून वापस लेने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने 1.5 साल के लिए टालने की बात कही है। उससे पहले दिल्ली से आएंगे नहीं, या हमारी आर पार की लड़ाई है। हम तो चाहे 24 हो जाए, 25 हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, हटने के नाम से। जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो, आगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा है, जो मजबूरी हो और हमारी पूरी हो। इतना समय सबन में तेरा देखा और देखेंगे, इतनी जगह है जेल में तेरी देखी और देखेंगे। करो चाय, चाय तो करके दो चाय। द्वारा लो यार, तुम संघर्ष करो।